ये जो नई वाटर शूट निकलती है दिखने में तो बहुत ही अच्छी होती है इनकी ग्रोथ भी हमेशा अच्छी होती है पर इनका जो अंत है वो ख़राब होता है ये आपके पौधे की लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाएगी पौधा खराब होने की संभावना है वो कम तो करे पौधे को हमेशा जड़ की तरफ से यहाँ से कटिंग करते करते ये वाटर सूट मैंने निकाल दी है ये वाली और ये वाला पोर्शन ये साइड की ब्रांच मैंने निकाल दी है तो ये वन जी टू जी और थ्री जी कटिंग ये होता है थ्री जी टू जी कटिंग मैं ताराराम चौधरी आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ थार टेक्निकल फार्मिंग पर नार बागवानी में पौधा रोपण के बाद में जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसकी प्रूनिंग यानी कटिंग है वो बहुत ही जरूरी हो जाती है अगर पौधे की सही समय पर कटिंग नहीं की जाए उसको एक उचित शेप नहीं दिया जाए तो वो पौधा कॉमर्शियल रूप से तैयार नहीं हो पाता है आज की इस वीडियो में मैं आपको जो पौधे की प्रूनिंग है कटिंग है वो कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा और दोस्तों आपने सुना होगा टू जी थ्री जी फोर जी कटिंग क्या होती है उसके बारे में भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप अनार की खेती कर रहे हैं या आप ही अपने खेत में नए नए पौधे लगाएँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है और आप इस वीडियो के माध्यम से आपके जो खेत में पौधे लगें उनकी कटिंग खुद करना सीख जाएंगे उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट को बुलाने की जरूरत नहीं है या किसी बाहर से आदमी को बुलाने की जरूरत नहीं है अगर आपका छोटा रकबा है हज़ार पाँच सौ पौधों का तो आप आसानी से खुद कटिंग है वो कर सकते हैं मैं आपको एक पौधा कटिंग करके बताता हूँ इस वीडियो में आप ध्यान से देखिए किस प्रकार से उसकी कटिंग होती है किस प्रकार से उसमें तने का सिलेक्शन होता है और किस प्रकार से उसकी जो 2G और 3G कटिंग है वो होती है तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें आइए शुरू करते हैं वीडियो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से नए पौधों की जो कटिंग है वो करते हैं अभी आप ये जो मेरे सामने जो पौधा है वो मात्र सात महीने का है और इसकी जो आ, प्रूनिंग है वो अभी तक मैंने नहीं किए खाली इसका प्लांटेशन किया था कि मैं इनकी जो पहली प्रूनिंग कर रहा हूँ इसमें सबसे ज़रूरी है तने का सिलेक्शन और तने का सिलेक्शन कैसे करते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ इस पौधे में आप देख सकते हैं एक दो तीन चार पाँच काफ़ी सारी डालियाँ हैं ये इसमें अपने को कौन सी डाली रखनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें जो ये वाटर शूट होती है ये वाली जो लंबी डालियाँ होती है इन डालियों को रखने से कोई फ़ायदा नहीं है हमेशा जो गहरे कलर वाली डालियाँ हैं जो पुरानी डाली है जो मेन जमीन से निकल के बाहर आई है उन डालियों को ही आप रखें आप अगर वाटर सूट रखते हैं तो ये वाटर शूट अंत में वो इसका रिजल्ट है अच्छा नहीं होता है क्योंकि ये वाटर शूट हमेशा जो मेन डाली है उससे ग्रोथ ज़्यादा करती है ये पुरानी डाली को हमेशा दबाने की कोशिश करती है दोस्तों अगर इस वाटर शूट को रखेंगे तो ये ऊपर जाके एक घेर बना देती है और बाकी जो पुराना पोर्शन है पौधे का उसको ये दबा देती है और अंत में जब इस पर पौधा बड़ा होता है और माल की सेटिंग आती है तो ये क्योंकि हाइट में बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसके माल है वो टॉप पे लगता है माल टॉप पे लगने की वजह से ये इस पर वजन आता है तो ये मुड़ जाती है और मुड़ने की वजह से ये यहाँ से वो टूट जाती है तो इस टूटने की समस्या से बचने के लिए और पौधे की जो लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए हमेशा जो पुरानी डालियाँ होती है जो अपने जब पौधा लगाते हैं और उसमें जो मेन डालियाँ निकली हुई होती है वो मेन डाली आप हमेशा रखने की कोशिश करें ये जो नई वाटर शूट निकलती है दिखने में तो बहुत ही अच्छी होती है इनकी ग्रोथ भी हमेशा अच्छी होती है पर इनका जो अंत है वो खराब होता है ये इन डालियों से पौधे की ज़्यादा उम्र नहीं हो पाती है पौधा जल्दी ख़राब हो जाता है तो इन वाटर शूट को आप बड़ा नहीं करें आप कटिंग करेंगे एक बार आपको पौधा छोटा लगेगा हो सकता है आपको लगेगा यार पौधे की ग्रोथ चार पाँच फीट की थी और आपने कटिंग करके बता दी ये तो दो फीट का ही हो गया पर जो दो फीट का पौधा होगा वो माल देने में हमेशा अच्छा होगा और इन वाटर शूट को अगर आप बड़ा करेंगे तो ये वाटर शूट है वो अंत में है वो खराब हो जाएगी तो वो पौधा कभी लंबा नहीं चल पाएगा मैन है उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पौधे की लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाएगी पौधा खराब होने की संभावना है वो कम हो जाएगी तो इस प्रकार से सबसे ज़रूरी है पहले आपको पौधे के तने का सिलेक्शन करना और तने का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें जो नई डाली है उनको निकालना है जैसे अभी मैं आपको तने का सिलेक्शन करके बताता हूँ और मैं एक बात और आपको बता देता हूँ जब आप पौधे की कटिंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें पौधे को हमेशा ऊपर से कटिंग करना शुरू नहीं करें पौधे को हमेशा जड़ की तरफ से यहाँ से कटिंग करते करते आप टॉप की तरह आए तो आपका पौधा है वो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार होगा और आपको कटिंग भी समझ में आएगी मेरे को कौन सी डाली कितनी कट करनी है और कौन सी डाली मेरे को रखनी है क्योंकि दोस्तों जैसे मान लो आप अगर यहाँ से कटिंग शुरू करते हैं ये पूरा पौधा है और आपने यहाँ से कटिंग शुरू कर दी ये ये कर दिया इसको कर दिया ये कर दिया तो अंत में जब तने का सिलेक्शन होता है तो क्या होता है तने का सिलेक्शन करते हैं तो ये वाला पोर्शन तो अपने को रखना ही नहीं है वो बाद में पता चलता है तो इसको अपन है वो निकाल देते हैं तो ये अपना है वो फालतू में टाइम वेस्ट होता है तो इस प्रकार जब भी आप कटिंग शुरू करते हैं तो हमेशा जड़ की तरफ से करें जैसे ये है तो मैं आपको अभी इसमें बताता हूँ जो तने का सिलेक्शन है वो कैसे हो जाएगा देखो आप इसमें ये भी काम की नहीं है ये वाटर शूट मैंने निकाल दी है ये वाली और ये वाला पोर्शन ये साइड की ब्रांच मैंने निकाल दी है पौधे की अगर आपको ज़मीन से हाइट ज़्यादा रखनी है पौधे को ऊपर उठाना है ज़मीन से आ, तो आप इस बात का ध्यान रखेगा हमेशा जब आप कटिंग करते हैं तो कम से कम शुरुआती पहली कटिंग में पौधे का जो नीचे का भाग है वो छः से आठ इंची तक हमेशा एक दम आपको साफ करना है जैसे ये वाला भाग है तो इसको आप हमेशा जो भी डालियाँ यहाँ पे है उनको सब निकाल के ये पोर्शन आपको हमेशा क्लीन करना है और जैसे ये अच्छी डाली है तो इसको मैं रख रहा हूँ तो ये वाला भाग है वो ये वाटर सूट में निकाल देता हूँ ये वाला पोर्शन एकदम साफ हो गया है तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जैसे मान लो मैंने अभी तने का सिलेक्शन हो गया इसमें एक और दो तने सिर्फ इसमें तो ये जो तने का सिलेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है तने के सिलेक्शन के बाद में बात आती है आ, उसके ऊपरी भाग की कटिंग की टू जी कटिंग और थ्री जी कटिंग का मतलब होता है टू जी का मतलब सेकंड जनरेशन और थ्री जी का मतलब होता है थर्ड जनरेशन तो इसमें एक 1G, 2G, 3G, 4G, 5G और 6G इस प्रकार जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है तो उसकी जो जनरेशन है वो बढ़ती जाती है और ये कटिंग है वो 2G, 3G और 4G तक आगे बढ़ती जाती है जो मैं आपको बताता हूँ 1G कटिंग होती है जैसे ये डाली है ये वाली डाली ये तना है इस तने का अगर मैं ये टॉप काटता हूँ ये वाला पॉर्सन ये ये वाला पॉर्सन अगर मैं काटता हूँ तो ये इसकी होगी वन जी कटिंग क्योंकि ये इसकी पूरी की पूरी है वो फर्स्ट जनरेशन है उसके बाद में जैसे ये इसकी वन जी कटिंग हो गई ये इसकी साइड ब्रांच है तो इस साइड ब्रांच को अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तो ये इसकी होगी टू जी कटिंग और इस साइड ब्रांच की जो वापस ब्रांच निकली हुई है ये वाली ब्रांच देखिए एक नंबर दो नंबर और ये होगी तीन नंबर इस तीन नंबर को अगर मैं कट करता हूँ तो ये हो जाती है थ्री जी कटिंग तो ये वन जी टू जी और थ्री जी कटिंग ये होता है थ्री जी टू जी कटिंग का फंडा ये कोई लंबा मेथड नहीं है और इसके बाद में इस डाली के ऊपर फुटान आएगी और आगे जब नेक्स्ट इसकी कटिंग होगी वापस तो जो ये पोर्शन यहाँ से जैसे मान लो ये फुटान करेगा तो अगर इसको वापस यहाँ से कट करेंगे तो ये इस पौधे की फोर कटिंग हो जाएगी इस प्रकार ये टू और थ्री कटिंग मैं अभी आपको करके बताता हूँ जैसे ये टॉप मैंने काट दिया तो ये इसकी वन जी कटिंग हो गई अब इसकी साइड ब्रांच की जो कटिंग करते हैं तो ये है इसकी टू जी कटिंग तो दोस्तों टू जी कटिंग में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो नीचे से कटिंग करते ऊपर जाए तो इसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखें जो नीचे वाली डाली है उसकी लेंथ ज़्यादा रखें उसके ऊपर वाली डाली है उसकी लेंथ थोड़ी कम रखें और जो उससे ऊपर वाली है उसकी लेंथ आप थोड़ा और कम रखें इस प्रकार आप एक स्टेप में इसकी कटिंग करें ताकि जब ये पौधा वापस ग्रोथ बन करेगा इस पर नई फुटान आएगी तो इस पर ज़्यादा लंबी होगी इस पर थोड़ी और कम लंबी होगी इस पर थोड़ी इससे कम लंबी हुई तो इस प्रकार इस पौधे का एक तरह से गोल घेरा बन जाए अपने को सबसे ज़रूरी है पौधे का घेर बनाना कटिंग का मतलब यही है उसको एक उचित आकार देना अच्छा शेप देना अगर अपने पौधे का शेप अच्छा है उसकी कटिंग टू जी थ्री जी फोर जी अगर आप बराबर करते हैं तो पौधे का एकदम से वो घेर बन जाएगा और घेर बनने के बाद में पौधे की जो माल पकड़ने की क्षमता है वो ज़्यादा होगी उसमें माल आने के बाद में टूटने की संभावना कम होगी तो अगर आप शुरुआती तौर से काम करते हैं इस पर तो इसका है आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये पौधा है वो एक एकदम परफेक्टली कटिंग हो गई है पहले एकदम झाड़ी की तरह था वो अभी एकदम अच्छे से तैयार हो गया है दोस्तों अभी आपको इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मैंने ये पोर्सन आपको क्लीन करके बताया है ये वाला इस पोर्सन पे अभी ये पौधा वाटर शूट निकालेगा तो इस वाटर शूट को आप समय समय पर निकालते रहें यहाँ से कोई भी नई ग्रोथ तोड़ने नहीं दें ताकि आपका जो दो तने का सिलेक्शन है या यहाँ पे तीन भी हो सकता है चार भी हो सकता है और एक भी हो सकता है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दो ही रखें तो यहाँ अब दो तीन का सिलेक्शन फाइनल होने के बाद में यहाँ से जो भी शूट निकलती है उनको आप समय समय पर निकालते रहें दोस्तों वाटर शूट निकालते तो हमेशा उसको आ, कटर की सहायता से निकालें हाथ से नहीं निकालें अगर आप हाथ से निकालते हैं तो इसकी जो स्किन है वो ख़राब हो जाती है और जहाँ पर स्किन ख़राब होती है तो वहाँ पे रोग आने की भी संभावना बढ़ जाती है तो इस प्रकार आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें अगर पौधे की कटिंग करते हैं तो आपका पौधा है वो बहुत ही अच्छा तैयार होगा और ये पौधा लगभग पंद्रह बीस दिन के बाद में एकदम अच्छी शूट निकाल देगा इस पर जगह जगह अच्छी फुटान आ जाएगी तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी आ, कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें शेयर करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आप एक लाइक आपका और एक शेयर आप करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है बहुत बहुत धन्यवाद